गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? मैं आपको सिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और पोटेंशियल निकालना इंड्यूस चार्जेस की वजह से ऑन अ कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है ना, जो इंड्यूस चार्जेस कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर इंड्यूस हुए हैं चार्जेस, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कंडक्टिंग स्फीयर में निकालना सिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिचुएशन लेता हूँ कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, अनचार्ज्ड है शुरू में, ठीक है ना, और इसके सेंटर से r दूरी पे q चार्ज रख दिया। ठीक है, और उस q चार्ज से, उस q चार्ज वाले पॉइंट से x दूरी पे कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर एक m पॉइंट ले लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस m पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। ठीक है, m पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल भी जानना चाहता हूँ, m पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहता हूँ इंड्यूस चार्जेस की वजह से। ठीक है, सी पॉइंट पर भी सब कुछ जानना चाहता हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मुझे पता है इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इधर उसे कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। बोलो, समझ में आती है इतनी बात? पक्का सही है, कोई दिक्कत नहीं। और इंडक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो सेंटर में बात करता हूँ, सेंटर में बात करता हूँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, एट सेंटर। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी। बोलो, होगी क्या नहीं होगी, किधर होगी, इधर, इधर मतलब लेफ्ट वर्ड्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस क्या होनी चाहिए, के क्यू बाय आर स्क्वायर होनी चाहिए एट सेंटर, और किधर होनी चाहिए, राइट, ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या हो, जीरो। क्यों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्यों जीरो, क्योंकि स्फीयर कंडक्टिंग है ना। बोलो, समझ में आई इतनी बात? चलो, बहुत बढ़िया। एम पॉइंट पर बात करते हैं, एट पॉइंट एम इलेक्ट्रिक फील्ड टू टू क्यू, क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू बाय इंड्यूस चार्जेस क्या होगी, एम पॉइंट पे के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और इस तरीके से दैट दे विल बोथ कैंसल आउट ईच अदर, कैंसल आउट ईच अदर। कैसे, डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। एम पॉइंट है ये, तो क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, तो इंड्यूस चार्जेस की वजह से होनी चाहिए इधर। बोलो, ताकि, और ये कितनी होनी चाहिए, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, ताकि एम पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा कर ली, अब बात करते हैं हम सेंटर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल की। ठीक है, तो सेंटर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करता हूँ, एट सेंटर, चलो इसी में खेल लेते हैं, सेंटर में, एट सेंटर। ठीक है, एट सेंटर अगर मैं बात करता हूँ तो पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से होगा, और किसकी वजह से होगा, इंड्यूस चार्ज की वजह से होगा। सेंटर पे पोटेंशियल होगा चार्ज क्यू की वजह से प्लस इंड्यूस चार्ज की वजह से, होगा कि नहीं होगा। तो सेंटर में पोटेंशियल होगा क्यू की वजह से कितना, के क्यू बाय आर, और इंड्यूस चार्ज की वजह से कितना होगा, इंड्यूस चार्ज की वजह से, देखो जितना माइनस क्यू इंड्यूस है उतना ही प्लस क्यू इंड्यूस है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से, कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना, इस पे मान लो ये माइनस 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 प्लस 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 ऐसे है, तो मैं क्या करता हूँ, सेंटर पर निकालता हूँ पोटेंशियल, तो माइनस डी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल आर दूरी पे होगा माइनस के डी क्यू बाय आर, हुआ क्या नहीं होगा, बोलो, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्लस डी क्यू भी तो होगा, अगर इक्वल अपोजिट चार्ज है तो, ये तो उसकी वजह से कितना होगा, के डी क्यू बाय आर, तो पोटेंशियल सबकी वजह से कितना हो जाएगा, माइनस डी क्यू और प्लस डी क्यू दोनों हैं, और दूरी कितनी है, आर, कैपिटल आर है दूरी, इसके लिए भी और इसके लिए भी कैपिटल आ रहा है, इसके लिए भी कैपिटल आ रहा है, इसके लिए भी कैपिटल आ रहा है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंड्यूस की वजह से पोटेंशियल सेंटर पे, सेंटर पे इंड्यूस की वजह से पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो सेंटर का टोटल पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, बहुत ही बढ़िया। अब सेंटर का पोटेंशियल के क्यू बाय आर हो चुका है, तो एम पॉइंट का पोटेंशियल भी टोटल वही होगा, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है, इक्वी पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ सेंटर इक्वल टू पोटेंशियल एट एम पॉइंट, इक्वी पोटेंशियल कंडक्टर, कंडक्टर क्या है, इक्वी पोटेंशियल है, तो सेंटर में पोटेंशियल हो गया टोटल के क्यू बाय आर। एम पॉइंट में पोटेंशियल होगा, वो होगा एम पॉइंट का, एम पॉइंट पोटेंशियल होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस इंड्यूस चार्ज की वजह से, फिर से
बोलो, एम पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा, प्लस क्यू की वजह से भी होगा और इंड्यूस चार्ज की वजह से भी होगा एम पॉइंट पे। तो प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय एक्स। तो के क्यू बाय आर इक्वल टू के क्यू बाय एक्स। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से एम पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय एक्स। इस तरीके से आप पोटेंशियल इंड्यूस चार्जेस की वजह से निकालोगे। अगर सेंटर में बात करता हूँ इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल जीरो है, एम पॉइंट पे पोटेंशियल बात करता हूँ इंड्यूस चार्ज की वजह से, तो के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय एक्स है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर है, एम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चार्ज की वजह से के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल पोटेंशियल भी आप सीख चुके हो। सही है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फिर मैं एक ऐसा ऐसा एक और कराऊंगा अभी आपको, ठीक है।